मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो कहा जाता है उस तकलीफ के लिए, या फ्रोजन शोल्डर, जैसे शोल्डर में या हाथ में, हाथ की उंगलियों में जिस तरह की तकलीफ होती है, झिनझिनापना है या फिर ग्रिपिंग कमजोर लगने लगे, उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ। तो ये दो तरह के इसमें फायदे हैं। एक तो है अगर इस तरह की तकलीफ है तो ठीक हो जाएगी, प्लस अगर यदि तकलीफ नहीं है तो फिर इस तरह की तकलीफों से आप बचे रहेंगे। इससे पहले जो मैं बता चुका हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन में जो ज्यादा तकलीफें होती है जैसे कॉलर लगाना पड़ता है, उन लोगों के लिए है। और तो बेहतर यह है कि अगर जिनको सिर्फ सर्वाइकल है और उनको हाथों में प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा कहना यह है कि जिनको अगर गर्दन में तकलीफ है तो आगे चलकर हाथ में भी आ सकते हैं, तो बेहतर है डिफेंस के लिए पहले उसे कर लिया जाए। मात्र 10 एक्सरसाइज जो हाथों के लिए बता रहा हूँ और गर्दन के लिए 5, यानी टोटल 15 एक्सरसाइजेस। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि कम एक्सरसाइज में अधिक से अधिक फायदा हो। यदि आपको तकलीफ ज्यादा है तो आप रोजाना 2 बार करेंगे, अगर इस तरह की तकलीफ नहीं है तो रोज 1 बार भी करेंगे काफी है। तो इन सबों के लिए है जो पढ़ने लिखने का या टेबल वर्क ज्यादा करते हैं या रीडिंग का काम होता है, ऑफिस में लॉन्ग सिटिंग होता है, उनके लिए, सभी के लिए। तो जी ये एक ट्रीटमेंट भी है और इसमें एक फिटनेस भी है, यानी इस तरह की प्रॉब्लम से सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर से बचे रहेंगे। उसका कुछ फायदा मैं बताऊंगा। सबसे पहले उसमें होता है एक पोस्चर, जैसे यदि हम एक्सरसाइज के लिए तैयार होते हैं तो कैसे करना चाहिए, क्रॉस लेग नहीं बैठे, पैरों को लटका कर बैठे, छोटा स्टूल वगैरह लेकर या तो ऐसे बैठे पैर पूरे 90 डिग्री में रहे, या फिर यदि ऊंचे पर अगर हम बैठते हैं कोई गुंजाइश नहीं है नीचे, तो फिर यदि सपोज हम ऐसे बैठते हैं ऊपर, अब पैर अगर लटक जाता है तो लोग ऐसे करके बैठते हैं, ये तरीका गलत हो जाता है, ये हमारे स्पाइन पर इसका बुरा असर पड़ेगा। बेहतर है ऊपर कर लें। अगर पैर लटकता रहता है तो इसका तरीका यह है कि कोई पाटा वगैरह हम यहाँ नीचे रख दें, इसको ऊपर रख करके ऐसे करें, यानी हिप और नी दोनों पैरेलल में रहेगा। ये ज्यादा ऊंचा भी नहीं हो, ये ज्यादा नीचा भी नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वल बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखें। अब मैं शुरू करता हूँ, अब दिखाता हूँ पहले, क्योंकि ऐसा हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं भी आप रहें वो व्यायाम आप कर सकते हैं। अब देखो दोनों पैरों के बीच एकदम नॉर्मल स्टांस में पोज में आ गए। सबसे पहले चीन को, ये मैं पहले बता चुका हूं, ये तीसरा पार्ट बता रहा हूं सर्वाइकल शोल्डर के लिए। ये मात्र 10 बार चीन को ऊपर की तरफ टाने, फिर वापस छोड़ दिए, नीचे झुकाना नहीं है, उठाए फिर छोड़ दिए, 10 बार करेंगे, फिर कान को कंधे की ओर टानेंगे आहिस्ता, फिर वापस छोड़ेंगे, यहां ठहरने के बाद फिर दूसरे साइड, ऐसा नहीं लगातार इधर किए फिर डायरेक्ट उधर, किसी भी तरह का झटका नहीं। और एक चीज ख्याल रखेंगे कि यदि हम ये कान को झुका रहे हैं तो बॉडी नहीं झुक रहा है, सिर्फ ये डाउन किया, उसके बाद स्ट्रेच टांग दिया हल्का सा, बहुत जोर भी नहीं लगाएंगे जितना हो सके, और आहिस्ता फिर वापस आ गए, फिर दूसरे साइड टाने, ठहर गए 2-3 सेकंड 2 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं ठहरेंगे। उसके बाद ये 5 बार 5 बार 10 बार टोटल करेंगे, सीधा टोटल 10 बार। उसके बाद कंधा के पीछे देखने की चेष्टा करेंगे, आप देखें जैसे ये कंधा के पीछे देख रहा हूं, टाना फिर वापस आहिस्ता छोड़ा, फिर इस तरफ टाना ये छोड़ा, ये 5-5 बार ये हो गया। अब इसके बाद जैसे लोग घुमाते हैं, अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, पूरी घुमा सकते हैं, नीचे की तरफ नहीं लेकिन चारों तरफ गर्दन को घुमाएंगे। और जब किसी को तकलीफ ज्यादा, सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उनके लिए बेहतर है सिर्फ चीन को रोटेट करें, ये देखिए ठुड्डी को गोल गोल घुमाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, 5-5 बार मात्र घुमाएं। इसके दो तरीके, एक तो अल्टरनेट 1 फिर इधर से 1, या फिर लगातार 5 बार करें फिर दूसरी तरफ से 5 बार करें। ये होने के बाद शोल्डर को लिफ्ट किया आहिस्ता फिर छोड़ दिए। अब इसमें देखिए हाथ का कोई सपोर्ट नहीं है, हाथ बिल्कुल नॉर्मल है यूं समझे हल्का। और यदि थोड़ा ज्यादा फायदा चाहिए तो इसको ब्रीदिंग के साथ करें, जैसे डीप ब्रीदिंग आहिस्ता 1 सेकंड आहिस्ता छोड़ेंगे, यह ध्यान रखें उठाए और छोड़ने में झटका बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, जितना हो उठाएंगे और सीधे, ऐसा नहीं आगे या पीछे नहीं, सीधा उठाए उठाए रोके फिर आहिस्ता छोड़ दिए, ये 10 बार मात्र करेंगे। उसके बाद फिर इसे गोल गोल घुमाएंगे,
देखिए इसमें भी हाथ का बहुत से लोग इसको इसको घुमाते हैं, ये गलत लगता है और ये ठीक नहीं है। और ये देखिए हाथ का कोई काम नहीं, सिर्फ शोल्डर आर्म बैठ कर मूवमेंट करेंगे, उसका रोटेशन होना है। ये 10 बार 10 बार। अब आपका ये वार्म अप हो गया, अब इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज करने का तरीका ये, थोड़ा सा बॉडी फ्री कर ले, वार्म अप कर लें, तो उससे क्या मसल्स वगैरह में पुलिंग नहीं आएगा, जब तनाव नहीं आएगा, जैसे मसल्स पुल कर जाते हैं, बायोटा जो क्रैम्स आ जाते हैं, उसके लिए बेहतर है कि थोड़ा सा वार्म अप कर लें, उसके बाद जो व्यायाम आप करते हैं फिर आप करें। अब देखिए, अब मैं शुरू करता हूं। पहले जो मैं इससे पहले बता चुका था पार्ट 1 पार्ट 2, अब ये पार्ट 3 मतलब कंप्लीट एक्सरसाइज है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, देखने में लगता है या सुनने में लगता है कि पार्ट 1 ऐसा है, 2 ऐसा है, 3 है। जब पार्ट 3 का आप करेंगे तो फिर 1 और 2 की जरूरत नहीं है। और ये फिर मैं बता रहा हूँ कि जो पहले ही आप कर लेंगे इसको अच्छी तरह से, तो जब ठीक भी हो जाए तो हमेशा एक बार करते रहें तो बेहतर रहेगा। अब देखिए हाथ को एक 90 डिग्री में रखा, मुट्ठी को बांधा और आहिस्ते से ऊपर की तरफ टाने, यहां शोल्डर से ऊपर टाना, फिर वापस छोड़ दिया, फिर उठाया टाना फिर छोड़ दिया। इस तरह से 10 बार करेंगे, फिर आहिस्ता ठहर जाएंगे। अब दूसरे हाथ को ठीक इसी तरह ऊपर उठाया टाना फिर वापस छोड़ दिया। ये पोजीशन पे वापस ढीला छोड़ना भी जरूरी है, ऐसा नहीं लगातार आप ये करते जाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं, ये जब तक इनकम्प्लीट होगा, अगर ये लूज नहीं छोड़ेंगे इनकम्प्लीट होगा। टाने रोके फिर ठहर गए, इस तरह से कम 10 बार, ज्यादा से ज्यादा 25 बार। ये सीधे वाले बेहतर है, शुरू में आप 10-10 ही करें वो ज्यादा अच्छा है। 10 बार ये करिए, 10 बार ये। इसका दूसरा ये आपको यहां लाए, आहिस्ता से पीछे की तरफ मैं दिखा रहा हूं, ये पीछे टाने फिर वापस छोड़ दिए, मुट्ठी दूसरे कंधे की तरफ, फिर कोहनी को बराबर शोल्डर के बराबर में लेके जाएंगे और आहिस्ता से पीछे करेंगे फिर वापस, इस तरह से 10 बार। फिर ये दूसरे हाथ को भी ऐसे उठाया, फिर ये 10 बार। उसके बाद अब इसका 2 एक्सरसाइज हुआ, 1 ये 2, तीसरा कोहनी को पीछे टाने फिर छोड़ दिए, जैसे ये कोहनी को पीछे ऊपर की तरफ टाना फिर छोड़ दिया, ऐसे छोड़ना जरूरी है, मुट्ठी बंधी रहेगी, हाथ वापस लूज, फिर टाना छोड़ दिया इस तरह से, फिर दूसरे हाथ को भी टाना फिर छोड़ दिया, ये भी 10 बार। तीसरा कंप्लीट हुआ, चौथा ये ऊपर की तरफ टाने फिर छोड़ दिया, साइड वाइज लेके चलेंगे, साइड से ऊपर फिर वापस नीचे, साइड से फिर वापस, इसे भी 10 बार। होने के बाद आराम से फिर इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ टाने फिर छोड़ा, टाना फिर छोड़ा, ये 10 बार करेंगे। अब फिर इसको सामने की तरफ, ये मुट्ठी जो है नाक के बराबर में रहेगी और कोहनी चेस्ट के पैरेलल में बीचों बीच, अब इस तरह आहिस्ता से स्टिमुलेट करते हो, बाहर की तरफ घुमाते हो टाना, फिर वापस ला करके यहां छोड़ दिए, फिर लगातार इसे 10 बार किए, उसके बाद छोड़े, फिर इसका पोजीशन लिए, पोजीशन में 10 बार इसे भी करना है ये। अब उसके बाद फिर एक मुट्ठी बांधेंगे, अब आप देखेंगे ये मुट्ठी पीछे की तरफ स्पाइन की तरफ नीचे जाएगी, नीचे फिर ये नीचे की तरफ गर्दन सीधी, ऐसा नहीं इसको पीछे करने में, अब गर्दन झुका दे, गर्दन सीधी, फिर ये मुट्ठी पीछे, फिर ये देखें ये ऐसे है बिल्कुल, ये इसको ऊपर की तरफ टांग, ये नीचे फिर वापस, फिर अब उसके बाद जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 5 और ये 6। अब दोनों हाथों को लटका दें,
या अगर बेड पर बैठे हैं तो ऐसा रखें। ऑल्टरनेट इसको अब खुले हाथ करेंगे, 1 2, मुट्ठी बांध कर जो कर रहे थे तो लगातार एक ही हाथ से कर रहे थे, मुट्ठी खोल कर जब करेंगे तो बारी बारी ऑल्टरनेट करेंगे। ये साइड वाइज पाम जो है माथे की तरफ, ये ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा फिर वापस आहिस्ता। ये ध्यान रखें कोहनी एकदम सीधा जितना हो सके ऊपर उठाए, ऊपर की तरफ टांगने की चेष्टा करेंगे, बाजू को कान की तरफ लाएंगे फिर आहिस्ता छोड़ देंगे। इसे भी 10-10 बार, यानी टोटल 20 बार हो गया। अब उसके बाद फिर सामने से बिल्कुल इसी तरह कोहनी, ये देखिए बहुत से लोग क्या कर देते हैं, ये ऐसे उठाए अंत में सीधा करते, नहीं यही सीधा टाने, आहिस्ता से ले जाए ऊपर, अब पीछे ले जाने की चेष्टा न करें बल्कि ऊपर की तरफ ऊपर टाने, फिर आहिस्ता सीधा रखते हुए वापस छोड़ दिया, फिर ढीला, फिर दूसरे हाथ को ये इत्मीनान से करेंगे। जल्दी जल्दी सिर्फ ये आप ध्यान में रखें कि हमें 10 बार कंप्लीट कर देना है, गलत हो जाएगा, थोड़ा करें सही करें, 5-5 बार ही हो लेकिन सही होना चाहिए, ये ध्यान रखें। फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूं, ये आहिस्ता सीधा उठेगा, एल्बो सीधा है ऊपर गया, अंत में जितना हो सके ऊपर टानेंगे, 1 सेकंड के बाद फिर सीधा रखते हुए धीरे धीरे वापस लाएंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद तब दूसरे को उठाएंगे, ऐसा नहीं ये उठाया फटाफट किया, गलत हो जाएगा। ये फिटनेस एक्सरसाइज फास्ट होते हैं, ट्रीटमेंट वाले स्लो होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, तो समझ करके ये करें। अब उसके बाद फिर ये सीधा अपने सामने, अब देखिए पीछे की तरफ जितना जाए पाम को कलाई से मोड़ दिए पीछे की तरफ, अब जितना हाथ पीछे जा सके टाने, 1 सेकंड के बाद एज इट इज वापस लाएं धीरे, फिर वापस छोड़ दिए, फिर इस हाथ को वैसे ही रेडी करेंगे, पीछे गए वापस, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस रहते हैं। ये आप ध्यान रखें जब यह हाथ को पीछे ले जाएंगे तो खुद मैं टर्न नहीं हो रहा हूं, ये टर्न नहीं कर रहा, हाथ जितना जाए पीछे जाए, और ये वापस लाने में लूज नहीं छोड़ेंगे, जैसे गया वैसे हाथ टाइट करके सीधा नीचे रखने के बाद ढीला छोड़ देंगे, फिर फायदा आपको ज्यादा होगा। ये उसके बाद अब इसको गोल गोल ये से फिर मुट्ठी बांधकर अंत में 9 एक्सरसाइजेस हो गए। ये 10वां एक्सरसाइज है सिंगल हैंड का, जो गोल गोल घुमाएंगे, ये घुमा सीधे आप सीधे बैठेंगे, ऐसा नहीं घुमाने के चक्कर में गर्दन डाउन हो जाए, बिल्कुल नहीं, गर्दन सीधी रहेगी, जितना उठे इसको फेस कवर करते हुए पूरा रोटेट करेंगे दोनों तरफ से 10 बार, फिर 10 बार। और जब यदि ये बहुत ज्यादा सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो उनके लिए है कि सिर्फ सामने से पीछे की तरफ, यानी एंड ऑफ, उल्टे तरफ नहीं घुमाएंगे, सीधे साइड से घुमाएंगे ये, फिर उसके बाद ये। अगर सर्वाइकल ज्यादा तकलीफ नहीं है तब ये दोनों साइड से घुमा सकते हैं, फ्रोजन वाले के लिए बेहतर है दोनों साइड से घुमाना, सर्वाइकल वाले के लिए है सिर्फ सामने से पीछे की तरफ घुमाना, दोनों सामने से पीछे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब ये आपने समझ लिया, अब डबल हैंड का मैं बता रहा हूं, दोनों हाथ से एक साथ करना। अब ये दोनों मुट्ठी को बांधा ठीक जैसे उसमें बताया गया था, दोनों कोहनी को पीछे ले गए ऊपर, जितना ऊपर जा सके मुट्ठी नीचे, अब ऊपर की तरफ देखेंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, चिन को ठुड्डी को पूरा ऊपर टांग के रखेंगे, रोक कर रखेंगे, उसके बाद गर्दन को पहले वापस लाए, फिर धीरे से हाथ को वापस लाकर छोड़ दें, ठहर जाए, फिर देखिए सामने से देखिए पूरा उठाए ऊपर, पहले ऊपर गया कोहनी, उसके बाद अंत में गर्दन को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, 10 तक मणिमान काउंट करें, उसके बाद गर्दन को पहले वापस, फिर हाथों को वापस लाकर छोड़ दें। इस तरह से मात्र 5 बार ही करना है, ये एक हो गया। अब उसके बाद दोनों हाथों को एक साथ ये नाक के बराबर में रखे, कोहनी दोनों सटा हुआ, अब ये स्ट्रेच करेंगे साइड, दोनों हाथों को साइड में पीछे की तरफ, फिर वापस ये, फिर ऐसे। यदि अब इसमें क्या है,
यदि आप एक सेकंड रोकते हैं फिर वापस लाते हैं तो 10 बार करेंगे, यदि 10 सेकंड रोक करके वापस लाते हैं तो मात्र 5 बार करेंगे। तो दोनों ही इसका ये तरीका सही है, लेकिन इससे पहले जो मैं बताया वो 5 बार ही करेंगे लेकिन रोक कर करेंगे। इसमें दो तरीके हैं, एक तो एक सेकंड रोका फिर वापस लाया, फिर एक सेकंड रोका वापस लाया, तो 10 बार। यदि 5 बार ही करना है तो इसका ये ब्रीदिंग के साथ सांस नाक से लेते हुए पीछे टानेंगे, होल्ड कर दिए चेस्ट के अंदर, मुंह से छोड़ते हुए आहिस्ता लाए, ये हो गया। अब दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक किए, उसके बाद माथे को ऊपर रख लिए सीधा, लूज छोड़ दिए, पहले पोजीशन देंगे खुद 90 डिग्री में बैठे हुए सीधा। अब उसके बाद सीधा ऊपर की तरफ उठाए टांग दिए, ये देखिए पूरा ओवर द हेड टना हुआ है, 10 सेकंड से रोके फिर आहिस्ता ठहर जाए, एक दो सेकंड ठहरना जरूरी है, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां ठहरना है तो ठहरना है, जहां टालना है तो टालना है, मतलब नॉन स्टॉप करना है लेकिन स्लो ब्रेक दे दे करके। ये रुक गए, जब लूज हो गया हाथ फिर उसके बाद उठाए, ऐसा नहीं डायरेक्ट ये कंप्लीट लूज भी नहीं हो पाया फिर टांग दिए, तो उसमें बाजू में कभी कभी दर्द हो जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से तकलीफ दूर करने के लिए हम करते हैं कभी बढ़ जाती है, तो यही सब दिक्कतें जो होती है जो हम सही समझ नहीं पाते हैं, फटाफट करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत यानी उचित नहीं है इस तरह से। तो हमें ये करना है कि थोड़ा करें समझ कर करके, एक बार दो बार समझ लें, थोड़ा थोड़ा हो, जैसे मैं 15 एक्सरसाइज में बता रहा हूँ आप 5 ही करें लेकिन सही करें तो ज़्यादा फायदा होगा। तो इसे भी इसका दो तरीका है कि एक तो जैसे टाना एक सेकंड रोका फिर छोड़ा तो 10 बार करेंगे, लेकिन लूज छोड़ेंगे एक सेकंड जरूर, और यदि होल्ड करते हैं 10 सेकंड्स और फिर आकर के ठहर जाते हैं 2 सेकंड्स, तो इस तरह से 5 बार करेंगे, ये हो गया 3। अब उसके बाद ये दोनों हाथ का ये मैं दिखा रहा हूं, दोनों हाथों को नीचे रहते लटकाया और ऊपर की तरफ टाना, फिर गर्दन ऊपर, ये पाम को ऊपर की तरफ खींचा, फिर वापस गर्दन, फिर हाथ वापस, फिर इस तरह से पूरा ऊपर, ये ध्यान देंगे कलाई पूरी ऊपर टाननी चाहिए, उसके बाद गर्दन ऊपर, 10 सेकेंड्स रोकें, फिर गर्दन वापस, फिर हाथ वापस और ठहर जाएं, ये 5 बार करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे यदि हम बैट पर बैठ के करते हैं तो फिर कैसे होगा, तो इसका एक तरीका और है कि खड़े होकर भी कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए, ये हाथों को ऐसे सीधा रखा, पहले आप सामने से देखिए, पीछे उठाए, सामने का पोजीशन देखिए, गर्दन ऊपर उठा दिए, फिर गर्दन वापस, फिर हाथ वापस। अब साइड से देखिए, बिल्कुल उठाए ऊपर, अब गर्दन ऊपर वापस, पहले गर्दन फिर हाथ, जाने में पहले हाथ जाएगा, पहले हाथों को ऊपर उठाए उसके बाद गर्दन को उठाने, वापस में पहले गर्दन फिर हाथों को। अब ये हो गया एक और एक्सरसाइज है, अब ये हाथों को इंटरलॉक किए, अब जैसे ये पीछे ये इंटरलॉक किए, गर्दन से ऊपर माथे के सर के नीचे थोड़ा यहां पर ऐसे इंटरलॉक कर दिए, होल्ड कर दिए, अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ टांगना है, दोनों कोहनी को दोनों साइड में खींचना है, और ये ग्रिप छूटना नहीं चाहिए, ये जो ग्रिप है ये छूटे नहीं, और गर्दन पर प्रेशर देकर के दोनों जैसे पीछे करने की चेष्टा नहीं करना है। आप इसे अच्छी तरह समझेंगे क्योंकि इसमें फायदा बहुत है, लेकिन थोड़ा समझने में कठिन जरूर लगता है, लेकिन इससे फायदा भी बहुत है। दोनों कोहनी को दोनों वॉल की तरफ मैं खींच रहा हूं, तो जब यह खींचाएगा देखिए टांग दिया, 10-15 सेकंड ठहरे और आहिस्ता छोड़ दिए, कोई झटका नहीं, धीरे से गर्दन सीधी, गर्दन को ऊपर नीचे नहीं करेंगे, ये टाना फिर छोड़ा, रुक करके बहुत जल्दी नहीं, ये फिर देख लें पीछे से, बैठ के भी इसे कर सकते हैं, देखिए यहां पीछे इंटरलॉक है,
दोनों कोहनी को दोनों साइड में खींच रहे हैं, ये पकड़ा हुआ है, ये टाइट, गर्दन सर के ऊपर प्रेशर दे रहा है लेकिन उंगलियां एक दूसरे से छूटे नहीं, इस तरह के टाइट, फिर आहिस्ता छोड़ दें। फिर ये तो मैं ये दिखा रहा था, ये 15वां एक्सरसाइज है। अब इसमें एक दो पहले कुछ छूट जाता है या सही नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना हो पाए इसमें से करेंगे। फिर मैं ये कर रहा हूं जिनको ज्यादा तकलीफ है उनके लिए भी ठीक है, उनको तो फायदा होना ही होना है, ठीक होना इसी से है। और जिनको इस तरह की तकलीफ नहीं है लेकिन कभी कभी महसूस होता है तो इसका इंडिकेशन है कि आपको भविष्य में सर की तकलीफ हो सकती है। तो पहले यदि प्रिकॉशन के तौर पर इसे अगर करते हैं तो एक फिटनेस के हिसाब से कुछ यदि हमारा फिजिकल वर्क नहीं है तो ये जरूरी है कि हम थोड़ा सा व्यायाम किया करें, ताकि इस तरह का काम में लिखने पढ़ने का कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी अगर यदि है नहीं तो उसके लिए बेहतर है कि थोड़ा सा ये कर ले उनके लिए। और एक खास बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट और फिजिकल इंस्ट्रक्टर हूँ। दिन भर का जो वर्क रहता है, पेशेंट को अटेंड करना, सब कुछ करना, उसके बाद जब समय मिलता है तब मैं आप लोगों की सेवा के लिए खिदमत में एक वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि मैं ये ध्यान रखता हूँ कि जो लोग मुझसे नहीं मिल पाते हैं उनको भी फायदा हो जाए, तो इसलिए हमारा इसमें कोई एक फिक्स नहीं है कि हफ्ते में या दो हफ्ते में या महीने में, ऐसा कुछ नहीं। जब मौका हमें मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आपकी खिदमत में कुछ हम मैं पेश कर पाऊँ। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें कि जितने जो जो जैसे आवश्यकता अनुसार फुर्सत के हिसाब से मैं वीडियो डाउनलोड करता रहूंगा। और शरीर से रिलेटेड जो भी शरीर के लिए फायदेमंद है, शरीर को मजबूत बनाना, चुस्त बनाना, दुरुस्त बनाना, डेवलप करना, रिड्यूस करना, जैसे भी जरूरत है हर तरह के मैं दूंगा। खाने पीने में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए, किसके लिए डाइट उचित है नहीं है, इसमें बहुत सारे मामलात हैं, वो मैं एक एक करके खुलासा करता जाऊंगा। आज के लिए इतना ही, और आप इसे करें, लोगों तक समझ कर करें। मेरा उद्देश्य खास ये है कि आप बेहतर समझें, समझ करके लोगों को बताएं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि एक दो आदमी करोड़ों लोगों तक इसका फायदा पहुंचा सकता है। आप यदि समझ जाते हैं आपको फायदा होता है तो आप ये समझिए आपने पहचान वालों में किसी को इस तरह की तकलीफ है तो उन्हें भी बताएं, गॉड विलिंग उनको भी बहुत फायदा होगा। और इनडायरेक्टली मैं ये समझता हूँ कि इसमें आपने हमारा हेल्प किया, हम सबके लिए शुक्रगुजार हैं। थैंक यू।